तो इस बार भी 4,000 लाइक्स का ही रखते हैं टारगेट, तो प्लीज़ यार कर देना, बेइज्जती ना हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं रोमियो बॉय सायन, हार्टेड बॉय फिरीन, स्पार्कलिंग लाइम लाइट प्विन सेक्स फेट अंकिता, प्रिंसेक्स माला, स्वैग बॉय जावेद, इनके बारे में जो कि पार्क में जाके अपने दोनों हाथ मोड़ के वरुण धवन पोज देके मोनू के नोकिया आशा 510 से ऐसी फोटो क्लिक करवाते हैं और उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, वो भी कुछ ऐसे कैप्शन के साथ। क्यूट तो मैं बचपन से ही हूँ, जब पैदा हुआ तब मम्मी तो क्या नर्स को भी मजबूर कर दिया किस लेने को, और वो भी अकेले नहीं करते, विद राहुल एंड 51 आदर्श। तो अब यहाँ पे ये बंदा इतना डरपोक है कि ये फोटो भी अकेले पोस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये पेशाब करने जाता होगा तो ये तब भी जाता होगा, विद राहुल एंड 51 आदर्श। हेलो ऑल फेसबुक गाइज, मेरी जिंदगी में खुशियाँ तेरे बहाने से हैं, आधी तुझे सताने से हैं, आधी तुझे मनाने से हैं, फ्रॉम मनोज कुमार। अब कैप्शन को पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि बंदा जो है थोड़ा सैड है, रोमांटिक है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, तो फोटो भी थोड़ी रोमांटिक ही होगी, एक बार देखते हैं। नहीं क्या सुबह समोसे की चटनी में गिर गया तेरा ईयरफोन जो तू चूस रहा है, और इसके चूसने के ढंग को देख के और भी बहुत कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में यार, मतलब गंदा वाला। अब फोटो पोस्ट हो गई बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। जैसे आलिया वरुण और सिद्धार्थ डिस्को दीवाने हैं, वैसे ये लोग लाइक्स के दीवाने हैं। तो उसके बाद ये मैसेज करते हैं प्रिंसेक्स माला को, हेलो महा स्वीट फ्रेंड, प्लीज लाइक महा फोटो। अब इनके सपने इतने ऊंचे हैं कि इनकी फोटो पे सिर्फ एक ही कॉमेंट क्यों ना आए, पर ये रिप्लाई करते हैं थैंक्स टू ऑल माई स्वीट फ्रेंड्स। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे प्राणी से जो कि लाइक्स के पीछे पागल रहता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो आइए मिलते हैं उससे सुरेश की इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। भैया क्या नाम है आपका? कमलेश। तो कमलेश जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको ऐसी क्या खुशी मिलती है लाइक्स से? वो तो समझ आ जाता है, सो घूमते नशा आता है, नींद अच्छी आती है, रात में सपने नहीं आते, अच्छी नींद आती है, खाना भी अच्छा खाते हैं, मस्त। तो कमलेश जी, अगर आपके किसी फोटो पे लाइक नहीं आ पाते हैं तो आपको क्या होता है? तो कमलेश जी, फिर तो आप लाइक्स के लिए बुर्ज खलीफा के ऊपर नीचे 200 चक्कर भी लगा दोगे। ऊपर वाले को जब ऊपर उठाना उड़ जाएंगे, नीचे वाले को जब नीचे बुलाना भूल जाएंगे। तो कमलेश जी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे मुझसे या फिर हमारे दर्शकों से? लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। तेरी पैन दी। और जब ये सब कुछ करने के बाद भी इनकी फोटो पे इनफ लाइक्स नहीं आ पाते हैं तो ये बेचारे मायूस हो जाते हैं, बट उसके बाद बीच में आता है ऑटो लाइकर। तो अब एक बार बात करते हैं कि ऑटो लाइकर्स होता क्या है। तो ये बेसिकली कुछ साइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होती हैं जो आपको आपकी फेसबुक फोटोज पे पोस्ट पे लाइक्स दिलवाती हैं। और वो लाइक्स आते कहाँ से हैं? तो वो लाइक्स आते हैं उन लोगों से जिन्होंने इनकी साइट को आपसे पहले यूज़ किया था। तो अब अगर आपने भी इनकी साइट को यूज़ कर लिया है तो आपके अकाउंट से भी ये बिना पूछे कोई भी फोटो लाइक कर देंगे, कॉमेंट कर देंगे और बेइज्जती होगी आपकी। और वैसे देखा जाए तो इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, जो 1,000 लोग तुम्हारी फ़ोटो लाइक कर रहे हैं उसमें से एक को भी तुम जानते हो नहीं, तो उनमें से कोई भी एक बंदा या बंदी रास्ते मिल जाता तुमको तो क्या होगा देखो। अरे भाई, तुम तो भाई हो ना, मेरी फ़ोटो लाइक करी थी उस दिन। अबे काहे बोल रहे, मैंने कब कर दी, मैं तेरे को जानता भी ना है। अब यहाँ पे गंदी वाली बेइज्जती किसकी हुई? तुम्हारी हुई ना, जो स्वैग लेवल तुमने अपनी फोटो पे 1,000 लाइक्स मंगवा के किया था 1,000,000, वो अब माइनस में चला गया है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि इन फालतू साइट्स को यूज़ मत करो और लाइक्स के पीछे इतने पागल मत बनो। बट अगर तुम ये सब अभी भी करने वाले हो तो यार,
सो ये था रेंटेड का एपिसोड 3। आई होप आपको इसमें भी थोड़ा मजा आया होगा। तो प्लीज यार नीचे लाइक फेंको, कमेंट छोड़ो, शेयर करो एंड आप मेरा पीछा भी कर सकते हो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे। आखिर में नीचे सब्सक्राइब करो, ऐश करो, बाय। मैं आपका खड़ा माँ की गाली बकरी, आप पता माँ की गाली कौन सी?